हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपना चैनल स्टडी लिंक में। तो आप सभी को तहे दिल से हम स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट नहीं देखे अभिक्रिया के, तो जाकर आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट देखें अभिक्रिया के, उसके बाद आप क्यूज को सोल्व करिएगा, मतलब प्रश्न को हल करिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम जो भी पीछे बताए उसको एक बार याद दिला देते हैं कि क्या क्या बताए हम आपको। हम अभिक्रिया में बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसके प्रकार बताए थे, और वियोजन अभिक्रिया बताए थे जिसमें अपघटन अभिक्रिया बताए थे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बताए थे, अनुउत्क्रमणीय अभिक्रिया बताए थे, मतलब जो भी अभिक्रिया से रिलेटेड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी आपको बता दिया गया था। तो आप थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो जाकर सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट देखें, उसके बाद आप यहाँ विजिट करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सामान्य रूप से, कलर को चेंज कर लेते पेन का कलर प्लस, चलिए सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको देर बोल रहा है कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो आप अगर थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। तो हम आपको बताए थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होता है। जैसे मैं मान लीजिए ए और बी क्या है, दो व्यक्ति है, और एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है सी, ए और बी में लड़ाई होता है, तो सी उस टाइम क्या रहता है, वहाँ प्रेजेंट रहता है, मतलब उपस्थित रहता है। तो उससे पूछा जाए, मान लीजिए कि गवाह उससे गवाही के रूप में पूछा जाता है, तो वह क्या बोलेगा, या तो ए के सपोर्ट करेगा या तो बी के, या तो ए के विरोध करेगा या तो बी का सपोर्ट करेगा, या तो बी का विरोध करेगा तो ए का सपोर्ट करेगा, या हो सकता है कि दोनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं कर सकता नहीं तो विरोध कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपको पीछे बता दिया गया था, किसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब उदासीन रहना, मतलब तटस्थ रहना, मतलब न्यूट्रल रहना, ठीक है। तो यहां से आपको बताना है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देख लिख रहा हूं ऊपर, क्षार प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करता जल प्लस गैस, क्षार प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करता है लवण प्लस जल, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस गैस, क्षार प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको हम किसको बोलते हैं, तो जब क्षार प्लस अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा। यहाँ से एक और आपसे प्रश्न पूछता है कि क्षार और लवण को अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, तो ऑप्शन में दे देगा लवण प्लस जल, लवण प्लस ऑक्सीजन, लवण प्लस हाइड्रोजन, इस तरह से ऑप्शन देते हो, आपको चुनना रहेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, धातुएं अम्लों के साथ लिख रहे, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आपको याद रखना कि धातु, यहाँ हम आपको लिख देते हैं, यहाँ चलिए धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ लिख देते अम्ल, आप इसको याद रखना, अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो आप थ्योरी पार्ट देखें तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं देखें तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा जितना जो थ्योरी पार्ट देख कर इस वीडियो को देख रहा। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, तो अभी आपको बताया कि धातु प्लस अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन। यहाँ एक और प्रश्न पूछेगा,
कि धातु अम्ल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। और पूछेगा कि धातु अम्ल से विक्रिया करेगा तो क्या क्या प्राप्त होगा, तो लवण प्लस हाइड्रोजन, और गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि विक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है, तो लवण प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन तो निकलता नहीं है, लवण प्लस क्षार ये भी नहीं होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन तो यही तो मिलता है लवण प्लस हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ विक्रिया करता है तो उत्पन्न के रूप में डॉट और डॉट प्राप्त होता है। एसिड कहने का मतलब होता है अम्ल, और अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है, तो जो अम्ल रहता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यहां आप लिख लीजिएगा इसको भी, धातु ऑक्साइड, जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, तो क्या मिलेगा, लवण प्लस जल, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता, तो क्या मिलेगा, लवण प्लस जल, यहाँ लवण लिखा हुआ लवण प्लस जल, तो लिख रहा है जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में, मतलब उत्पाद के रूप में डॉट और डॉट प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, लवण लवण प्लस जल। तो हम लोग चेक करते हैं किस ऑप्शन में, तो लवण प्लस जल पहला ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा ऑप्शन दिया अम्ल प्लस जल, तो ये होगा नहीं, जल तो मिलता है लेकिन अम्ल नहीं मिलता, क्षार प्लस जल ये भी नहीं होगा, क्षार प्लस अम्ल ये भी नहीं होगा। और यहाँ अभिक्रिया भी दिया गया कि Na2O प्लस HCl, यहाँ दिया सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, जिसको बोलते हो सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नमक, और साथ में क्या मिलेगा, जल, लवण एक प्रकार का क्या, नमक जो है लवण है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। डॉट अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, डॉट अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहां लिख लीजिएगा, तो यहां एग्जांपल में लिखा है, यहां आप लिख लीजिएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभय जैसे में आप अगर मैथ पढ़े हुए तो आपको निकालना रहता उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कहने का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहने का मतलब जो दोनों में मिले, उसी तरह से यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा ना, दोनों के साथ अभिक्रिया करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी, उभय का मतलब होता है मतलब दोनों के साथ, जैसे मैं आपसे पूछ देता हूं मैथ अगर बनाता है तो पूछता है उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले, जैसे मैं आपसे पूछ देगा कि 1+5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब जो दोनों में मिले, दोनों में मिले, तो यहां बोल अम्ल प्लस क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे, तो कहने का मतलब उभय जिसमें लगा रहेगा वही वाला ऑप्शन होगा। तब देखिएगा ध्यान से, नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिया आपको, एग्जाम्पल बताना है आपको, क्या बताना, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में बताना है, तो यहां आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं Al2O3 PbO2 PbO2 ZnO और एक और एग्जाम्पल में लिख गया H2O2, तो जो ऊपर वाला जो तीन है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और इसको मतलब चार जो है सभी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। आपको अभी बता दें किस तरह से प्रश्न पूछेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड आपको देखो निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, यह पूछेगा जो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछेगा ZnO डॉट डॉट है, ऑप्शन में देगा उभयधर्मी ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, मतलब इस तरह से प्रश्न में ऑप्शन दे देगा प्रश्न के साथ, और आपको पूछ लेगा कि यह किस प्रकार का है, या आपसे वो उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जांपल पूछ लेगा। तो आपको इतना ही याद रखना, कौन कौन से याद रखना, तो Al2O3 PbO2 ZnO2 H2O2, या आपसे पूछेगा कि जिंक के ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, तो आपको क्या, जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और एक प्रश्न और पूछेगा यहां से, एक और प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए, अगर आपसे पूछेगा धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड
धातु के ऑक्साइड पूछेगा कि अम्लीय होता है या क्षारीय, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है या क्षारीय, तो यहाँ लिखिए किस, आपसे पूछा है धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय क्षारीय उभयचर भी, तो क्या होते हैं क्षारीय। अगला लिखिएगा अधातु, अधातु अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं तो अम्लीय, अम्लीय प्रवृत्ति को होते हैं, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति को होते हैं। तो आपको याद किस रखना, किस तरह से याद रखना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु तो देखिएगा कि अधातु में आ लगा हुआ और अम्लीय में भी आ लगा हुआ, तो अधातु से अम्लीय याद रखना, अधातु अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय, दो वो होता ही है क्षारीय एक अम्लीय, और जो तीसरा होता है वो आपको इसको याद रखना कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन होता है, तो Al2O3, Al2O3, PbO2, Z2NO और H2O2, तीन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा जिंक के ऑक्साइड होते हैं तो उभयधर्मी, लेड के ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी, और बाकी क्या होता है धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, और अधातु के जो ऑक्साइड होता है अम्लीय, आ से अधातु, आ से अम्लीय, आ से अधातु, आ से अम्लीय, और बच गया एक धातु, तो धातु हो गया क्षारीय, और ये जो आपका हो गया ये अपवाद है, इसको आपको याद रखना जो उभयधर्मी होता है। आपसे ज़्यादा यही पूछा, मतलब तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है डॉट अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कहने का मतलब है उभयधर्मी का मतलब ही होता है, उभयधर्मी का मतलब होता है, उभयधर्मी का मतलब होता है कि अम्ल, अम्ल अम्ल प्लस क्षार के साथ अभिक्रिया करे, उभयधर्मी कहने का मतलब अम्ल प्लस क्षार के साथ अभिक्रिया करे। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बताए थे मैथ का कि भाई निष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों से कॉमन मिले, मतलब दोनों में अभिक्रिया करे, उसी को बोलते हैं उभयधर्मी। तो यहाँ आपको बताना है कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है CaO Al2O3 NO Na2O K2O, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करता है अम्ल क्षार दोनों के साथ, Al2O3 एग्जाम्पल में कौन कौन दिए थे, तो आप इसको नोट पॉइंट जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ भी दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। साधारण नमक के बिलियन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करता है, साधारण नमक के बिलियन के निर्माण के लिए, तो साधारण नमक कहने का मतलब NaCl, तो NaCl निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डॉट के साथ अभिक्रिया करता है, ऑप्शन में दिया गया, तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी सूत्र पूछ लेता है, इसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख रहा है कि साधारण नमक के बिलियन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही है जिसको बोलते हैं NaOH, और किसके साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जिसको बोलते हैं HCl, तो जब ये अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है NaCl जिसको बोलते हैं नमक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नमक, और साथ में क्या मिलता है जल मिलता है, साथ में क्या मिलता है जल मिलता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो लिख रहा है सोडियम क्लोराइड बिलियन, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो किसके साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते HCl, और यह पेट में भी पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न पर चलते हैं। डॉट ऑक्साइड अम्लों के साथ अभी साथ साथ लिख रहा है डॉट डॉट ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, अभी आपको तुरंत होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय कहने का मतलब जो दोनों में गुणनखंड, जहां उभय लाएगा, जैसे मैं पूछेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, कहने का मतलब दो को दे देगा नंबर, उसमें से पूछ लेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में मिले, उभयधर्मी ऑक्साइड जो दोनों के साथ अभिक्रिया करे, जहां भी उभय लाएगा कहने का मतलब दो के साथ रहेगा, एक के साथ नहीं रहेगा, तो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी, क्या बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि अमोनिया का व्यवहारिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो ये थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, या आप 12th पास आउट हो गए तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हैवर विधि से अमोनिया निर्माण करने के लिए आपको लिखने के लिए आता है 5 नंबर का,
ट्वेल्थ अगर आप पास आउट होंगे, अगर नहीं आउट है पास आउट, तो आप पढ़ लीजिए इसके बारे में कि हैवर विधि से अमोनिया निर्माण कैसे होता, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता था, आप इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। और हम थ्योरी पार्ट में भी पढ़ा दिए थे, लिख रहा ओसवाल्ड प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, हैवर प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ इसके बारे में दे दिया गया अभिक्रिया, अभिक्रिया याद रख सकते हैं। लिख रहा कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैवर प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है अमोनिया और एक होता है अमोनियम, अमोनिया अमोनियम, एक होता है NH3 और एक होता है NH4। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो NH4 होता है इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं अमोनियम, और जो NH3 होता है इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं अमोनिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, इसमें आप डॉट नहीं का आपसे पूछ देते कि अमोनियम का सूत्र क्या होता है, तो NH4 मतलब हो गया अमोनियम और NH3 मतलब हो गया अमोनियम, अमोनियम अमोनियम। देखिएगा इसमें 1 2 3 4 5 लेटर है, मतलब 5 अक्षर है, तो बड़ा वाला के साथ बड़ा वाला होगा, NH4 जिसमें लगा रहा होगा अमोनियम होगा, और जो NH3 लगा रहेगा उसमें छोटा वाला, मतलब 4 अक्षर छोटा वाला होगा, जिसमें अमोनिया लगा रहेगा उसमें वो लगेगा NH3, और जो बड़ा रहेगा अमोनियम वो होगा NH4। अमोनियम पूछेगा तो NH4, तो यहाँ लिख रहा है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड CaOH हॉल्टेंस ट्यूब, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको आप याद रखिएगा। तो जब अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, साथ में जल बनाता है और साथ में कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जो भी कुछ आपको पढ़ाते हैं या प्रश्न कराते हैं फर्जी क्यों नहीं कराते, जैसे मैं अल बल पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको हम वही पढ़ाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा काम है बताना और आपका काम है याद करना, हम तो याद मतलब कोर्सेज हम याद करवाने करते, आप याद नहीं करिएगा तो हम थोड़ी ना घोर के बिला दें। मेरा काम है बताना और आपका काम है क्या, याद करना, तो आप इसको जरूर याद करिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला लिख रहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी, निष्कासित कहने का मतलब होता है निकलना, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो लिख रहा है विरंजक चूर्ण को जल में, तो जल बोल रहे कहने का मतलब H2O में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, तब इसके बारे में आपको जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा कि कौन सा गैस निकलेगा, बहुत ही इजीली ट्रिक के साथ आपको बताएं कि जो भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि आप आसानी से कर ले जाइएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि किस तरह से हम आपको बताएं, विरंजक चूर्ण कहने का मतलब होता है कैल्शियम, यहाँ लिख रहा है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ लिख रहा CaOCl2 और जल के साथ अभिक्रिया करता है, सिर्फ आपको सूत्र याद रहना चाहिए, और साथ में क्या लिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, तो आपको मान लीजिए कि याद नहीं है तो सिर्फ आपको ये याद हो, इधर वाला मान लीजिए इग्नोर कर दीजिए, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप एक ले रहे हैं, हम आपको मान लीजिए दे दिए एक बॉक्स, और उस बॉक्स में रेड कलर है और ग्रीन कलर है, तो उस बॉक्स अगर आपको बोलेगा कि वाइट कलर निकालिए तो वाइट कलर निकलेगा, नहीं निकलेगा, जौन सा कलर रहेगा उस बॉक्स में वही कलर निकलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ अभिक्रिया करेगा, जो अभिक्रिया में जौन सा तत्व रहेगा या जौन सा गैस रहेगा तो वही गैस ना निकलेगा। तो इसके साथ कौन कौन सा गैस है, क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन है जो तो बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बना लिया तो देखिए तेरा ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से निकलता है, तो हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन भी आप आसानी से मतलब नहीं याद है विक्रिया तो भी आप आसानी से उसको कर लीजिएगा एकदम इजिली। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए
चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिख रहा है अगला ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस है। आपसे पूछेगा गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछेगा सिर्फ कि गाड़ी से निकलने वाला सबसे अधिक गैस कौन सा है, जो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन तो होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। लिख रहा है लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। तो इसको हम थ्योरी पार्ट में भी बता दिए थे। तो लेड ऑक्साइड लेड नाइट्रेट के, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3H2, और इसको जब अभिक्रिया कराते हैं प्राप्त होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है यह भूरे रंग का होता है, ये भी पूछ लेता है। ये रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेलवे में इसका यूज होता है, इसलिए रेलवे में बहुत बार पूछा गया। तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया का आपको जरूर ही याद रखना चाहिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को हम लोग तापीय अपघटन करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो प्राप्त होता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड नहीं होता, डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी में लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और इसमें नहीं है। तो देखिए मजबूरी में ऑप्शन नंबर ए को हम लोग का आंसर करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी में भी ऑक्सीजन इधर नहीं है, जो भी चेक किया, यहाँ लेड ऑक्साइड तो मिल रहा है, लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन भी मिल रहा है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ ट्राई नहीं होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा, डाई होगा, यहाँ डाइऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है कहते हैं। तो इसको हम बता दिए थ्योरी पार्ट में कि दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का आदान प्रदान, विनिमय कहने का मतलब क्या होता है, अगर इकोनॉमिक्स का शब्द देखिए विनिमय करना मतलब होता है खरीद बिक्री, यहाँ देखिए अगर तो विनिमय का अर्थ होता है, विनिमय करने का मतलब आदान प्रदान करना, विनिमय करने का मतलब आदान प्रदान करना, लेना और देना, विनिमय का अर्थ होता है। तो लिख रहा है दो यौगिक के बीच, ऑप्शन ए में तेरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, और प्रतिस्थापन मतलब विस्थापन अभिक्रिया जो विस्थापित हो जाए मतलब आदान प्रदान करें। तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको बताया था, एकल विस्थापन अभिक्रिया और दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, तब थ्योरी पार्ट को जरूर देखें। तो दो यौगिक जब आदान प्रदान करेगा, विनिमय करेगा, तो उसको बोलेंगे दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। जब दोहरा विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में है तो जो राइट एकदम एग्जैक्ट आंसर है तो एग्जैक्ट आंसर को लगाएंगे, लेकिन नहीं रहेगा आंसर अगर दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, तो सेकेंड जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। जब नहीं रहेगा ऑप्शन में दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तो मारेंगे विस्थापन अभिक्रिया को, ये सेकेंड आंसर होगा, और फर्स्ट आंसर क्या होगा, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, इसी को बोलते प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसको, विस्थापन अभिक्रिया को। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। शोषी कहने का मतलब होता है लेना, ऊष्मा, ऊष्मा कहने का मतलब ऊष्मा और शोषी का मतलब होता है लेना, ऊष्मा को लेना, हम लोग क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए में तेरा दहन प्रतिक्रिया, दहन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी में तेरा अपघटन प्रतिक्रिया, अपघटन करने का मतलब होता है टूटना, अपघटन करने का मतलब तोड़ना, जैसे पेन को हम लोग तोड़ते हैं तो उसको क्या किया, अपघटन किए। तो अपघटन से बहुत से रिलेटेड पूछ जाता है, जैसे में विद्युत अपघटन, इंग्लिश में पूछ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जैसे ही पूछेगा प्रश्न बच्चा का दिमाग क्या होगा, जैसे ही पूछेगा उसको हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको हम लोग को समझना
इलेक्ट्रोलाइसिस पूछेगा विद्युत अपघटन, तो आपको याद रखना कि अपघटन का मतलब होता है टूटना, और जिस चीज आगे लगा जैसे हम पूछेगा विद्युत अपघटन तो मतलब विद्युत के द्वारा टूटना, लिख देगा जल अपघटन तो मतलब जल को टूटना, तो इस तरह से लिख सकता आपको। तो ऊष्मा शोषित इसमें तो अपघटन का होगा नहीं ऑप्शन। संयोजन कहने का मतलब होता है जुटना, और विस्थापन कहने का मतलब होता है विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर एक बचा है दहन प्रतिक्रिया। ऊष्मा शोषित का मतलब क्या होता है दहन प्रतिक्रिया, सॉरी दहन प्रतिक्रिया या नहीं होगा, दहन प्रतिक्रिया कहने का मतलब देखिए दहन अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अंतर है। दोनों में ऊष्मा निकलता है, लेकिन आपको अगर जैसे में मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश निकले उसको हम लोग बोलते हैं दहन अभिक्रिया। फिर से समझिए, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा और साथ में प्रकाश निकले उसको बोलते हैं दहन अभिक्रिया, और जिसमें सिर्फ ऊष्मा निकले उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया कब होता है, अपघटन अभिक्रिया जब हुआ जब ऊष्मा लेगा ही लेगा कि कोई भी ऊष्मा ले किसी प्रकार का प्रकाश या विद्युत मतलब किसी तरह से हम लोग ऊष्मा देते हैं, तो अपघटन मतलब लेने के लिए ऊष्मा इसको जरूरत होता है, तोड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत होता है ऊष्मा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अपघटन प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दहन अभिक्रिया कब होगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ साथ क्या हो प्रकाश निकले उसको हम लोग बोलते हैं दहन अभिक्रिया। तो इस तरह के प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है उष्मा छेपी और दहन में। तो चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, देखिए अभी तुरंत आपको एग्जांपल दिए थे, कौन कौन से एग्जांपल दिए थे, पीबी, पीबी का ऑक्साइड होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, जेडएन का ऑक्साइड होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, और एक हो गया एल्युमिनियम। तो आप देखते कौन सा ऑप्शन में एल्युमिनियम, पहला जिंक, दूसरा में मैग्नीज, तीसरा में कॉपर, और डी में मैग्नीशियम। मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों में अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है, पानी में एक अम्ल या क्षार, फिर से सुनिए, पानी में एक अम्ल या क्षार, जैसे मैं कह रहा हूं अम्ल या क्षार और में अंतर, या और में अंतर है, अम्ल या क्षार, जैसे मैं अम्ल डालेगा तो क्षार नहीं डालेगा, क्षार डालेगा तो अम्ल नहीं डालेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता है कि हम और आप दोनों जाएंगे, कहने का मतलब साथ साथ जाएंगे, बार हम और आप दोनों जाएंगे, कहने का मतलब साथ साथ जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हम या आप, हम या आप, इसका कहने का मतलब हम जाएंगे तो आप नहीं, आप जाइएगा तो हम नहीं। तो यहां पानी में या तो अम्ल डालेगा तो क्षार नहीं, क्षार डालेगा तो अम्ल नहीं। तो बोल रहा है कब विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है, अपघटन प्रतिक्रिया। तो अपघटन प्रतिक्रिया में क्या होता है, टूटता है, बी में दे रहा है उष्मा छेपी प्रतिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, तो उदासीन अभिक्रिया सिर्फ क्या होता है अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया जहां उष्मा लेता, तो जब अम्ल डालिएगा पानी में, आप ध्यान से देखिएगा एसिड घर में रहता है जिसको हम बोलते हैं जब बैटरी में रहता उसको पानी में डालिएगा तो उसको जैसे ही डालिएगा ना तो उष्मा निकलेगा, क्या निकलेगा, जैसे ही डालिएगा उष्मा निकलेगा। अगर आप गलती से अम्ल में पानी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। हम लोग अम्ल में पानी नहीं डालते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं, अगर गलती से अगर अम्ल में पानी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा, इसलिए पानी में हम लोग अम्ल को डालते हैं तो उससे क्या होता है उष्मा निकलता है जिसको हम बोलते हैं उष्मा छेपी प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह प्रतिक्रिया है डॉट डॉट वह प्रतिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो अभी तुरंत एग्जांपल दिए थे कि अम्ल और क्षार जैसे मिलकर निर्माण करेंगे, अम्ल और क्षार मिला तो क्या बना देता है उदासीन। जैसे मैं मान लीजिए कि बिच्छू काट दिया तो बिच्छू में क्या होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है जो जहां काटता है वहां पे चल जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है चला जाता है, तो उसमें हम लोग को मिलाना रहता है क्षार। जैसे मैं क्षार में आप मिला सकते हैं साबुन, साबुन में मिला सकते एक प्रकार का क्या क्षार है, साबुन हो गया या सरफ हो गया, ये सब क्या एक प्रकार का क्षार है, तो इसको हम लोग जैसे बिच्छू काट रहे थे वहां अगर देते हैं तो कुछ आराम मिलता, क्यों, क्योंकि जो बिच्छू रहता है फॉर्मिक अम्ल डाल देता है उस पर हम लोग क्षार डालते तो क्या हो जाता है उदासीन हो जाता है। तो बोलता है कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते तो क्या बनता उदासीन। तो बोलता है कि वह डॉट डॉट वह प्रतिक्रिया जिसमें
अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? उदासनीकरण अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, आसवन, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या कहलाता है? उदासनीकरण अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसे उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ दिया गया, इसको आप समझ जाइएगा और आपको थ्योरी में भी बता दिए थे। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ऑप्शन में रहता है युगात्मक अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ये होता है जुटना, और युग का मतलब ये होता है जुटना। तो युगात्मक अभिक्रिया मतलब कहने का मतलब हो गया युगात्मक अभिक्रिया कहने, जिसमें अभिक्रिया क्या होगा, जैसे में ए प्लस बी मिलकर निर्माण कर दिया ए बी का, तो इसी को बोलते हैं युगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। अगला लिख रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी में दहन अभिक्रिया और डी में अपघटन अभिक्रिया। तो फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए। लिख रहा है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर, तो जलाएंगे जब भी अगर कार्बन को ऑक्सीजन में, तो क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा और साथ में प्रकाश भी मिलेगा। तो जब ऊष्मा और साथ में प्रकाश मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया, अभी आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला चलता, अपघटन का मतलब टूटना होता है। यहां दिया है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है या एक दहन प्रतिक्रिया, यहां एग्जांपल भी दे दिया गया। अगला प्रश्न, एक समीकरण इतना डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो यहां Cu+O2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। यह किस प्रकार का अभिक्रिया? तभी तुरंत अभी आपको बताया कि ए प्लस बी मिलकर जब ए बी का निर्माण करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या युगात्मक अभिक्रिया। दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन रहेगा दोनों में से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो सभी अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ा दिया गया, तो थ्योरी पार्ट का आप जरूर देखें। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया। अगला है कि अभिक्रिया डॉट डॉट अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। एकल विस्थापन, दोहरा संयोजन, दोहरा विस्थापन, एकल संयोजन। तो यहाँ दोहरा एकल विस्थापन, दोहरा विस्थापन भी है। तो इसको सबसे पहले इसको एग्जांपल देकर हम समझाए थे थ्योरी में। यहाँ लिख रहा है कि बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? यहाँ बनाता सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नमक, और साथ में बनाता है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ देखिएगा कि क्लोराइड यहाँ से विस्थापित होकर किसके पास चला गया? नाइट्रोजन के पास चला गया। और यहाँ से देखिए सल्फेट, जो सल्फेट था विस्थापित होकर किसके पास चला गया? बेरियम के पास चला गया। तो कहने का मतलब दोहरा विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आपको बार बार बोले कि आप थ्योरी पार्ट सबसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर ऑप्शन में अगर दोहरा विस्थापन अभिक्रिया नहीं रहता तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया को आंसर मारते, नहीं रहता तो मारते मजबूरी में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है तो उसी को मारेंगे। यहां भी वही दे रहा है कि MgO2 बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं? ए प्लस बी मिलेगा तो क्या निर्माण करेगा? ए वी का। तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या युगात्मक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड। अरे अधातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको बोलेंगे धातु ऑक्साइड, और धातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो धातु ऑक्साइड बोलेंगे, या धात्विक ऑक्साइड, या धातु के साथ, देखिए फिर से समझिए, धातु के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड, मतलब कोई भी एक रहेगा। और अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उसको बोलेंगे अधात्मिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन में दिया अधातु ऑक्साइड, तो धातु नहीं है तो अधातु ऑक्साइड नहीं होगा। धात्मिक हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा धात्मिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ लिखता कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो अधात्मिक ऑक्साइड। अधातु रहता तो अधात्मिक ऑक्साइड, और धातु है तो धात्मिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सॉरी सी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिए गए विकिरण डॉट डॉट का एक उदाहरण है। अभी तुरंत अभी बताया कि किसका उदाहरण है, तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अभिक्रिया जब करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। जो बेरियम क्लोराइड रहता है वो कहाँ चल जाता है, सोडियम के साथ, और जो सोडियम के साथ जो सल्फेट रहता है विस्थापित होकर कहाँ चलता है, बेरियम के साथ। मतलब दोहरा विस्थापन हुआ, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। और ए अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो ए आपका फर्स्ट आंसर होगा, अगर ए ऑप्शन में नहीं रहता तो सेकेंड आंसर में क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के ही पार्ट है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। तो एग्जैक्ट आंसर है तो एग्जैक्ट आंसर को मारेंगे, नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए रहता आंसर, सेकेंड आंसर होगा और ए फर्स्ट आंसर। अगला प्रश्न है एतना एफी प्लस यू एसओ फोर अभिक्रिया करता, तो एफी एसओ फोर लॉ सल्फेट या बनाता है प्लस सी यू दी गई अभिक्रिया निम्न का उदाहरण है, निम्न का उदाहरण है अब घटन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, युगात्मक अभिक्रिया। तो युगात्मक अभिक्रिया तो होगा नहीं क्योंकि जुटता है जिसमें होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिएगा कि जो कॉपर के साथ जो सल्फेट रहता है वो सल्फेट किसके साथ चला जाता है, लोहा के साथ, मतलब लोहा के साथ चला जाता है एफी के साथ, और सिर्फ यहाँ कॉपर बच जाता है। तो देखिए यहाँ से एक यौगिक क्या हुआ, विस्थापित हुआ, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये जो एग्जैक्ट आंसर होता ऑप्शन में अगर रहता एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो ये जो आपका होगा फर्स्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिस्थापन या विस्थापन वही होता, विस्थापन अभिक्रिया बोले या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोले। तो अगर ऑप्शन में ये रहता एकल विस्थापन अभिक्रिया तो इसको मारते, क्योंकि एक यौगिक विस्थापित हुआ इसलिए एकल अभिक्रिया, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं इसलिए डी मारेंगे, इनमें से कोई नहीं आपको मारना है। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। इतना डॉट डॉट दी गई प्रतिक्रिया डॉट डॉट प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, मतलब लिख रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो सूत्र भी पूछ लेता है बुझा हुआ चूना का, तब इसको ध्यान में रखिएगा। तो किस प्रकार का अभिक्रिया, जब दोनों मिल के बना रहे तो मिल के बना रहे यानी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में क्या हो रहा है कि देखिएगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन किसके साथ आ रहा है, लेड के साथ आ रहा है, और यहाँ से जो यहाँ कॉपर हो जाएगा, कॉपर क्या हो रहा है सिंगल रह जा रहा है, मतलब कॉपर के साथ जो क्लोरीन है विस्थापित होकर क्लोरीन किसके साथ आ गया, लेड के साथ आ गया। तो यहाँ से एक हो गया जो तत्व विस्थापित हुआ था जिसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया नहीं है तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया को मारेंगे, लेकिन एकल विस्थापन अभिक्रिया रहता तो जो फर्स्ट आंसर रहता एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर एक पीले रंग का शेष छोड़ जाते हैं। तो देखिए इसको भी हम आपको एग्जाम्पल देकर थ्योरी पार्ट में बताए थे कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, लेड, यहाँ से मिलेगा लेड मोनोऑक्साइड, और यहाँ से साथ में मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है यह भूरे रंग का क्या होता है, यह भूरे रंग का होता है। तो लिख रहे एक भूरे रंग का आप शेष छोड़ जाते हैं, ये जो होता है कैसा होता है भूरे रंग का, तो इसको आप याद रखिएगा ज़रूर। तो ये जो होता है एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। आपको ज़्यादा अच्छा से समझना तो आप थ्योरी पार्ट में चले जाइए। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करना है, यौगिक बनाते हैं, जब भी दो यौगिक आदान प्रदान करेंगे तो क्या होगा, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया डॉट डॉट का एक उदाहरण है। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन, खाद में अपघटन होने के लिए क्या होगा, मतलब अपघटन करने का मतलब टूटने के लिए, वनस्पति पदार्थों के खाद में टूटने की अभिक्रिया डॉट डॉट का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, विस्थापन या दोहरा विस्थापन। तो दोहरा विस्थापन और विस्थापन तो होगा नहीं, या तो उष्मा शोषी, उष्मा शोषी जिसमें उष्मा लेगा और जिसमें उष्मा क्षेपी यानी उष्मा को निकालेगा। तो वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाता है। तो इसको क्या होगा, वनस्पति पदार्थ जब जलेगा तब ना खाद बनेगा, जैसे में कोई पदार्थ है या वनस्पति पदार्थ करने वाला पेड़ पौधा ही सब, तो उसको हम लोग जलाएंगे सड़े गलेगा तो क्या होता है, उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा देता है,
जैसे में आप देखिएगा उष्मा देता, कहने का मतलब है कि आप पूरा अंदर दबा दीजिए, तो दबा दीजिएगा ना तब बता रहे हैं कि जैसे मान लो पूरा सड़ा गला क्या है वनस्पति है, उसको पूरा अंदर दबा दीजिए और उसको बाद में कोड़िएगा तो क्या होगा, हीट रहेगा मतलब गर्म उष्मा देता, तो मतलब उष्मा उससे निकलता है, तो उष्मा देगा तो जब जले उलेगा तब सड़े गलेगा तो क्या होगा, उष्मा देता है तो उष्मा छेपी होगा। ऑप्शन नंबर ए, अधिक ताप और दाब पर इसको किया जाता है तो यह खाद में मतलब अपघटित होता है, तो अधिक ताप कहने का मतलब क्या होगा, उष्मा छिप मतलब उष्मा इससे निकलता है, और उष्मा शोषी मतलब देना हो गया, और उष्मा छिप मतलब उष्मा का निकलना, तो वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की प्रक्रिया, सॉरी वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की यह अभिक्रिया डॉट डॉट का एक उदाहरण है, उष्मा छिपी या उष्मा शोषी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अपक्षेप तैयार होता है, तो अपक्षेप जब भी तैयार होगा तो विस्थापन अभिक्रिया में, और विस्थापन अभिक्रिया में भी जो तैयार होता है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में, एग्जैक्ट जो आंसर होगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, अगर ये नहीं रहेगा तो मारेंगे विस्थापन अभिक्रिया सेकेंड आंसर, फर्स्ट आंसर क्या होगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा सारा प्रश्न को। तो आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, आज का जो प्रश्न था सारा आपको क्लियर हो गया, अगर किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट को देखें उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जरूर कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कौन सा प्रश्न में आपको डाउट है, अगर हम अगले प्रश्न पर आएंगे भी तो उसके बारे में आपको बता देंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।